हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को आप कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, जनरली सबको प्रॉब्लम होती है कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है, कैसे सोचना है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे प्रूव करूँ, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम तब होती है जब आप बेसिक से आपने पढ़ाई नहीं की है। तो ये बिल्कुल यहाँ से आप मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ जिस टॉपिक से, अभी के बाद अगर आप सिस्टमेटिकली सब सारे लेक्चर्स देखते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के सारे क्वेश्चंस को, सारे ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जिसको स्किप करने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दो मेथड हैं किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, जब भी आपको प्रूव करने को कहा जाए तो आप अलग अलग मेथड सोचना कि कौन सा मेथड इसमें एप्लीकेबल होगा। वो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपके पास आपको समझ आने लगेगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिखेगा कि हाँ ऐसे ही मैं यूज करूँ तो इस लॉजिक से इसको प्रूव कर सकता हूँ। डायरेक्ट मेथड में भी दो टाइप में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहला है आप इक्वेशन से प्रूव करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकली। ठीक है, प्लस माइनस इक्वेशन कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके आपको जो आंसर लाना था, जो प्रूव करने को कहा गया था वो आप ले आए तो आपका प्रूव हो गया। ठीक है, सेकंड में आपको किसी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ सकता है। सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पे अगर कोई लाइन खींचने से कोई किसी पे परपेंडिकुलर, किसी पे पैरेलल लाइन आपने खींच दिया, कोई एंगल बना दिया, अगर उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो आप अलाउड हो, आप फ्री हो कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में आप हमेशा कोई भी कंस्ट्रक्शन खुद से चाहें तो कर सकते हैं। आप दिए गए क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना खुद से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपका पर्पस उससे सॉल्व हो रहा है, आप अगर उससे क्वेश्चन को, उस कंस्ट्रक्शन की वजह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत भी आपको किसी किसी क्वेश्चन में पड़ सकती है। ये दोनों डायरेक्ट मेथड में आते हैं। एक है कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड, इसमें आपको डायरेक्टली मालूम नहीं चलेगा कि इसको प्रूव कैसे करना है। कोई भी इसका इक्वेशन डायरेक्टली आप लॉजिक से इसे प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम दो क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 और 5, ये डायरेक्ट मेथड से प्रूव होगा और 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव होगा। दोनों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड में बेसिकली आपको ये करना है कि जो भी प्रूव करने को कहा जाए आप उसका अपोजिट मान लो कि ये ट्रूथ है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको कहा जाए कि प्रूव कीजिए सन जो है वो हॉट है। ठीक है, वेरी हॉट, सन इज़ वेरी हॉट। तो आप ये अज्यूम कर लेना, आप ये मान लेना कि सन इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, सन इज़ वेरी कोल्ड। अब इसके बेसिस पे आप आगे पॉइंट्स लिखते जाना, सन वेरी कोल्ड है तो ठंड है, सन सन के जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होने से ठंड बढ़ेगी सन के नज़दीक जाने से। फिर आपको एक पॉइंट पर रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता है रियल में। ठीक है, सन के नज़दीक जाने से ठंड नहीं बढ़ती, ठंड टेम्परेचर कम नहीं होता, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो हमने माना था कि सन जो ये ठंडा है, ठीक है, सन इज़ वेरी कोल्ड, ये गलत था। तो एक्चुअली सन इज़ हॉट, और यहाँ से आपने प्रूव कर दिया कि सन हॉट है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। इसको मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। दोनों से मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है और इसको समझाने के लिए दो क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये लाइन है ए बी और इसका मिड पॉइंट है सी, बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, क्वेश्चन में ए सी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रखा है, उन्होंने कहा है कि ए सी और बी सी जो है वो इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो प्रूव ये करना है कि जो ए सी है, ये ए सी है वो इस पूरे लाइन का ए बी का हाफ होगा। ठीक है, इसको आप कैसे प्रूव कीजिएगा? ओके, ए बी ये मैंने प्रूव कर रखा है, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो मेथड क्या होता है, आप किसी भी प्रूवमेंट को आप लिखते हैं तो क्या तरीका होगा, कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखना होता है वो सब आप यहाँ पे मैं आपको समझाऊँगा।
ये क्वेश्चन है, आप इसका ये डायग्राम आप बनाना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी इज़ अ लाइन, पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए बी, ए बी एक लाइन है, पॉइंट सी इसके बीच में लाई करता है, और ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये सारे जो पॉइंट्स है ये क्वेश्चन में आपको मिला हुआ है, तो ये सारे पॉइंट आप गिवन में लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रूव, इसमें आपको प्रूव क्या करना है, तो जो भी आपको प्रूव करने को कहा गया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद, ठीक है। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया है, ये लाइन ड्रॉ लाइन, ठीक है। जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया वो आप यहाँ लिखेंगे, लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट प्रूफ, अब आप क्या क्या आपने लॉजिक देते हैं उसको आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी, सो ए बी कैन बी रिटन एज ए सी प्लस बी सी। अब सी ए बी पे एक पॉइंट है, तो ए बी को ए सी प्लस बी सी लिखा जा सकता है, ए सी प्लस बी सी या सी बी, इसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी कैन बी ए सी प्लस बी सी, तो वही यहाँ लिखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में गिवन था ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी जहाँ पे भी बी सी लिखा है मैं चाहूँ वहाँ पे ए सी लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। बी सी की जगह ए सी लिखो या ए सी की जगह बी सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी को अगले स्टेप में हटा दिया, ठीक है, ये जो बी सी है इसे हटा दिया और बी सी की जगह पे ए सी लिख दिया, ठीक है। ये बी सी की जगह पे अगले स्टेप में ए सी लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अगले स्टेप में आप देखिए ए बी की जगह पे ए बी लिखा है और ए सी की जगह पे ए सी लिखा है, बी सी को बस चेंज कर दिया गया, बी सी की जगह पे ए सी कर दिया गया, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों इक्वल है और हम ए सी की जगह पे बी सी या बी सी की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने क्यों लिखा है वो आपको ब्रैकेट में यहाँ लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कि आपने ये चेंज क्यों किया, तो मैंने लिखा है बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, इस बेसिस पे मैंने बी सी को ए सी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ए सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी टू ए सी हो गया, तो अगले स्टेप में मैंने इसको टू ए सी लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू टू ए सी। अब ये टू इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा मल्टी तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है इक्वेशन में लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है, आपको पता होगा, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले लीनियर इक्वेशन पढ़िए, वो बहुत बेसिक चैप्टर है और हर जगह यूज होता है, ठीक है, मैं उसे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो टू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी बाई टू इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी बाई टू को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन बाई टू इंटू ए बी या वन बाई टू ए बी हाफ ए बी, और इसको वन बाई टू हाफ ए बी हमने लिख दिया, ए सी इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी। ये ए सी यहाँ पे इधर था, इसको मैंने लेफ्ट साइड कर दिया और ये ए बी को राइट साइड कर दिया, ठीक है। लिख सकते हैं ना लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ए इज इक्वल टू बी लिखो या बी इज इक्वल टू ए लिखो, बात तो एक ही है ना, तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, स्विच करना चाहो तो। तो मैंने ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी लिख दिया, ठीक है, और ये मेरा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव करोगे किसी चीज़ को, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड था, इसको हमने इक्वेशन से प्रूव कर दिया। अब दूसरा एजम्पशन मेथड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एक लाइन है ए बी और इस पर एक पॉइंट है सी, सी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। प्रूव ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ सी ही इसका मिड पॉइंट है, कोई और इसका मिड पॉइंट नहीं हो सकता, यानी किसी भी लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब मिडिल पॉइंट होता है, ठीक है। तो मिडिल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है किसी लाइन का, ये प्रूव करना है। अब आप इसको इक्वेशन से प्रूव नहीं कर सकते, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। ये हमने डायग्राम बनाया, सपोज हम इसको क्या करेंगे, इसका कुछ अपोजिट एज्यूम करेंगे, ठीक
ठीक है, क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है प्रूव करने के लिए उसका अपोजिट कुछ एज्यूम कर लेंगे। हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि इसका कोई और भी मिड पॉइंट है, ठीक है, और वो है M, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम आगे पॉइंट्स लिखेंगे और अपने आप को गलत प्रूव करेंगे कि हमने जो माना था कि M इसका एक और मिड पॉइंट है वो गलत था, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं, ठीक है। ए बी इज़ अ लाइन, पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, ठीक है, ये हमने लिखा। और ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, मतलब ए सी जो है वो ए बी का हाफ होगा, ये जो ए सी है ये पूरा ए बी का हाफ होगा, वो हमने लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, ओनली पॉइंट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करते हैं, सपोज सी इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, टेक अ पॉइंट एम विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मान लेते हैं सी मिड पॉइंट नहीं है, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में ड्रॉ कर दिया है। ब्रैकेट में लिखेंगे ये हमने क्यों लिखा, तो ये हमारा एजम्पशन है, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अगर M मिड पॉइंट है, यहाँ देखिए, अगर ए बी का मिड पॉइंट M है तो ए एम इज इक्वल टू एम बी होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट ये होता है, सपोज पी डी आर, तो पी डी इज इक्वल टू डी आर होगा, दिख रहा है आपको। अगर D मिड पॉइंट है तो पी डी इक्वल टू दिस होगा ना, पी डी इज इक्वल टू डी आर, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे M मिड पॉइंट है इसका, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, और ए एम इज इक्वल टू हाफ एम बी भी होगा, ए एम इज इक्वल टू हाफ, सॉरी एम बी नहीं, ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, यानी ये जो लेंथ है वो इस पूरे लेंथ का आधा होगा, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। क्यों लिखा, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, हमने जो एज्यूम किया था उस बेसिस पे ये रिजल्ट आया, ठीक है। बट क्वेश्चन में तो ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सी, यहाँ देखिए, ठीक है, ये ए सी इज इक्वल टू हाफ बी सी और ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। अब यूक्लिड का पोस्टुलेट्स आपको याद होगा, आई एम सॉरी, ये है हाफ ए बी और यहाँ पे भी है हाफ ए बी, ये। अब मोहन भी हाफ ए बी के बराबर है और सोहन भी हाफ ए बी के बराबर है, इसका मतलब मोहन और सोहन बराबर है आपस में, ठीक है। यूक्लिड के पोस्टुलेट्स में, एग्जाम्स में मैंने बताया था कि अगर मोहन हाफ ए बी के बराबर है और सोहन भी हाफ ए बी के ही बराबर है, तो इसका मतलब मोहन और सोहन दोनों हाफ ए बी ही है, ठीक है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो एम और ए सी इक्वल होंगे, तो हमने लिख दिया एम और ए सी इक्वल है, एम इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे देखिए, एम और ए सी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, आप क्वेश्चन में देखिए, एम ये रहा एम और ये रहा ए सी, ठीक है, यहाँ तक एम और ए सी कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते। ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट जो M वाला पॉइंट है, आई एम सॉरी, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट हो, ये दोनों एक दूसरे पे ही लाई करता हो, एक दूसरे पे ही कॉन्साइड करता हो, तो ही ये पॉसिबल है, ए सी इज इक्वल टू ए एम, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ओनली वेन पॉइंट सी एंड पॉइंट एम कॉन्साइड विथ ईच अदर, ये पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट सी और पॉइंट एम एक दूसरे पे ही लाई करते हों, ठीक है, एक ही जगह पे, ये दोनों अलग अलग जगह पे ना हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग जगह पे ना हो, ये दोनों एक ही जगह पे हो, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड पॉइंट सी इज द ओनली मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए हमने जो माना था, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सी ही इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हुआ एजम्पशन मेथड और कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, इसको हमने लॉजिक से प्रूव करा है, ठीक है। तो ये दो
तरीके हैं, दो टाइप के मेथड्स हैं जिसको यूज करके आप किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।